सोशल मीडिया पे एडिक्टेड हो चुके हैं सब वो लोग, का यूट्यूब चैनल वगैरह, उन लोग का यूट्यूब चैनल है तो वह सब यूट्यूब चैनल काम करते हैं, सब लोग यूट्यूब करते हैं सब लोग। इधर एक चाचा जो सोए हुए हैं वो एडिटिंग करते हैं, जब उसको देखते हैं क्या क्या एडिटिंग करते हैं देखते हैं, उसको पूछते हैं तो शायद उसको पता नहीं चलेगा मेरा कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, तो देख लो यार सपोर्ट करो थोड़ा, वन वन के वन गाइस वन के सब्सक्राइब कर देना यार। चाचा से पूछते हैं क्या चल रहा है चाचा, और क्या है, हम भी लगे रहे हैं। एडिटिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अच्छा हमारे कुछ एसएलपी वगैरह में एडिटिंग नहीं होता है, फोन से ही करते हैं हम भाई, गरीब है भाई, गरीब आदमी का काम ऐसे होता है। तो मेरा गाइस मतलब सब्सक्राइबर 100 भी मतलब 100 भी नहीं हुए गाइस, मेरा इधर मतलब वाइड एंगल में मेरा कैमरा नहीं है, तो चला देना यार गरीब थोड़ा काम काम करना पड़ता है गाइस, तो सपोर्ट कर दीजिए और क्या, वन वन के सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए। और ऐसे रोज रोज वीडियो तो बना रहूँगा और वीडियो वीडियो को बनाते रहूँगा, ऐसे अपलोड तो चलता चलता रहता है। और ऐसे चाचा चल रहा है वो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स ना, तो कल गए थे रेवेन्सा से सिग्नेचर, ये फर्जी फर्जी नकली स्टूडेंट्स, फर्जी स्टूडेंट्स से कुछ है, उसका राज कुछ और है नहीं बताएंगे ऐसे, ये मतलब सीक्रेट सीक्रेट हाँ सीक्रेट सीक्रेट। बताना अच्छा नहीं है, तो बोलते तो कैरियर पे असर पड़ जाएंगे उसका। तो कल गए थे और आज तो और एक दोस्त आने वाला है हमारे गांव से लाल मोहन, शायद 6 बजे को या 6:30 बजे को पहुंच जाएंगे यहाँ बरीबुद बस स्टैंड को, इधर से फिर हमको पिकअप करना होगा उसको, बाइक से जाना होगा इधर से रिसीव करने का, इधर से दामू में सक जाएंगे रिसीव करने का, तो टाइम नहीं हुआ है अभी थोड़ा, वो पहुंचने के बाद वो कॉल करेगा फिर, तो हम यहाँ से जाएंगे और उसको रिसीव करने। तो ठीक है गाइस फिर हो जाने सॉरी का गाइस, हम बिजी में हैं, बात नहीं कर पा रहे आप लोग के साथ। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करो, हम तुम लोगों का प्यार आपको दे दो और हम लोगों का प्यार आपको दे देंगे, आपके लिए हम सेक्रीफाइस भी करेंगे। और ओके तो है, आप लोगों को सपोर्ट की वजह से हम भी आगे जाएंगे यार, तो सब्सक्राइब कर देना, और वन के टारगेट पे टारगेट हमारे ड्रीम वन के, हाँ, ताकि मोनेटाइजेशन आपका हम ऑन ऑन कर सके। तो गाइस हम तो ऐसे रोज ही वीडियो बनाते रहते हैं, एक्चुअली मोनिटाइज इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर घर में पता चला कि तुम कर क्या रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो और लोग बोलेंगे तो काम दाम कुछ भी नहीं कर रहे, तो अगर मोनिटाइज हो गए तो हम उन लोगों को बता सकते हैं कि पापा ने हम पैसा इनकम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हाँ गाइस तो के लिए स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल लाइफ में गाइस बहुत पैसे की बहुत दिक्कत होती है यार, क्योंकि हम ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ की ऐसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से ऐसे वाले बाहर रहते हैं ऐसे घर में ऐसे कुछ कहाँ से इनकम करके छोटे छोटे इनकम करके हमको भेजते हैं, यहाँ मंथली रेंट होता है यहाँ 1500 रुपया, तो इसमें से 2000 आसपास मेरे को भेजते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे मतलब अपना पकड़ मनी भी उसमें से बनाना पड़ता है, इसी चलता है इसमें लाइफ में ऐसे होता है। ये मत सोचो कि हम घर देख के हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ये नहीं, कभी कभी रात में खाते हैं नहीं, पानी हाँ गाइस यही सही होता है, पिला के, पानी पी कर हम लेते हैं बस, ऐसे पैसा हाँ गाइस बचा रहे हैं हम लोग और कुछ इंडिया नहीं दोस्त। इंडिया इंडिया से अपनी से देख रहे हैं तो ओडिशा में बहुत फेमस है मुड़ी मांस, मुड़ी मुड़ी मांस, हाँ नहीं बारी खुदा में सॉरी ओडिशा बोल रहा हूँ, बारीपदम, ये मयूरभंज, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। हाँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आप लोग को याद होगा, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसका गांव हमारे गांव के आसपास शायद 50 किलोमीटर आसपास होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, और प्रॉपर रायरंगपुर से रायरंगपुर टाउन से थोड़े दूर में उसका गांव है मैडम द्रौपदी मुर्मू के, तो हमारा थोड़ा उन लोगों के थोड़ा साइड में है हमारा गांव, तो चलता रहता है यार। ओडिशा में ऐसे पता है ओडिशा तो बहुत गरीब है, वेस्टर्न इंडिया का आप देखोगे तो कि ऐसे कर्नाटक महाराष्ट्र या तमिलनाडु केरल गोवा या गुजरात के साइड में देखोगे तो बहुत ही डेवलपमेंट बहुत हो चुका है ओडिशा से, ऐसे मतलब बहुत पुराने जब उत्कल नाम था ओडिशा तब तब तभी से मतलब ओडिशा में पूरा इतना डेवलपमेंट का रुक गया है, ओडिशा इतना डेवलप नहीं कर पाया गया, तो एमबी से गरीब रह चुके हैं आज तक, देखते हैं लाइफ के सफर तो ऐसे ही होते हैं, गरीब ओडिशा, कोई ओडिशा नाम सुनते ही गरीब 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 राज्य से आए आप लोग, ओडिशा बिहार झारखंड ये सब पूरा गरीब राज्य है, अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं हेलो। कहीं बजाओ का ओडिशा से आए हैं तो ओडिशा से पता है हम, तो मतलब ऐसे नहीं कि यार ओडिशा ऐसे गरीब नहीं था पहले,
ये जो 1990 में जो मतलब स्टॉर्म आया था, तूफान तूफान जो आया था, इसमें से बहुत सारा जो कोस्टल एरिया है बहुत सारा डिजास्टर हो चुका था, तो उसको रिकवर करने में बहुत ही समय लगा। जैसे कि 2012 में हुआ था शायद, फाइलिन वगैरह हुआ था जो, इस वजह से आज भी मैंने उड़ीसा में बहुत ऐसे मतलब रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है, जैसे कि मतलब आयरन, आयरन जो होता है, आयरन का जो पत्थर है ना, लोहा पत्थर, वो मतलब उड़ीसा से, उड़ीसा और झारखंड से ज़्यादा है, मतलब उसका जो माइनिंग एरिया है उड़ीसा और झारखंड में ज़्यादा है, फिर भी उड़ीसा और झारखंड इतनी पीछे, मतलब इतने, हाँ इतने डेवलपमेंट नहीं है इसमें। एक्चुअली बिक चुका है, डिस्ट्रेट बिक चुका है, और भ्रष्टाचार तो ये उड़ीसा, भ्रष्टाचार ना ये। भ्रष्टाचार बोले तो मतलब उड़ीसा झारखंड और बिहार में इतने हो रहा है गाइस, कुछ डेवलपमेंट का नाम नहीं है। बीजू बीजू पक्का घर, बीजू ने पौधा प्रधानमंत्री पक्का घर होता है, वो जितने भी होता है ना जो गरीब गरीब लोगों को जो घर घर मिलता है, गरीब लोगों के लिए घर आता है, लेकिन और वहां पे जब पैसा जो वगैरह सब आते हैं। जो जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, वो लोग मतलब अपना आधा काम करके छोड़ देते हैं, पैसा फिर वाला इस ना, हाँ छत छत जो रूप रूप भी नहीं डलते हैं, इसमें से जितने पैसे आता है 60 70 70 70 जितने आता है वो सब अपने पॉकेट में लेकर चला जाते हैं। फिर वो जो घर घर जो होता है आधा जो बना के छोड़ देते हैं वो ऐसे रहता है, फिर कोई ये देखता तक नहीं है वो सब, ऐसे क्या करे यार, कोई किसी साथ नहीं है ओडिशा में। लेकिन सब बोलते हैं आमे सब भाई भाई खुशी, तो ये सब झूठा है, ये सब स्क्रिप्टेड है। हमारे ओडिशा में ऐसे बोला जाता है कि हाँ हमें सब, ओडिया लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि हाँ हमें सब भाई भाई, मतलब ऐसे होता है कि हम सब भाई भाई है और साथ रहेंगे, क्या साथ रहेंगे भाई, भ्रष्टाचार मतलब ऐसे ग्राउंड लेवल पे ऐसे होता करप्शन है। तो, करप्शन तो भाई, जैसे कि ओडिशा में सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है वो ऐसा है, और वही पे स्टेट करप्शन होती है। तो ये भाई क्या है, गांव के जो पंचायत वगैरह में जो क्या उसको कहते हैं, पानी वाटर वाला जो डिपार्टमेंट होता है, वहां पे तो भाई करप्शन ही करप्शन हो गए, तो कहाँ से बहुत गरीब वाला गरीब ही रहेंगे, और जो कुछ अमीर संसाधन, वाला हाँ है गरीब गरीब के लिए कुछ संसाधन तक नहीं है गैस, ताकि वो अपना पेड़ में खड़ा हो सके ओडिशा में। गरीब। हाँ ओडिशा में गरीब का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो मजदूरी करके अपने पेट को भरवाना और साथ साथ फैमिली को भी चलाना पड़ेगा। वैसे मैं ओडिशा में, और हमें जो जिससे मतलब कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो जितने भी स्टेट बोर्ड जितने भी मतलब जो हो रहा है कि जॉब्स वगैरह, वो तो सब कुछ सब भ्रष्टाचार है, जो तरह अमीर लोग है ना, तो उन लोगों के बच्चे वगैरह को पैसा दे के एडमिशन कर देते हैं, कोई तो एग्जाम तक नहीं देते हैं वो लोग, वो कहते भी हैं फिर फास्ट, भी वो उन लोग का लिस्ट ना, उसका नाम लिस्ट में रहता है। नहीं ऐसे क्यों होता है यार। हम लोग हमारे जिंदगी से, हमारे जिंदगी के साथ तो खेल रहे हैं, ये हमसे रहा नहीं जाता। कटिट कटिट, नहीं ऐसे कुछ नहीं, करेक्ट करेक्ट कुछ नहीं होगा, जो सच है वो सच है भाई, क्योंकि भाई जो लोग भी देख रहे हैं ना यार, आप लोग गए अंदर से हम लोग ये मतलब, हम ये मतलब नहीं कि हम खुश अभी हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कर रहे हो, ये मतलब नहीं है, बस सच्चाई है। मतलब क्या जाओ, यही सच्चाई है कि स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सब के सब भ्रष्टाचार, मतलब इतने जो लोग मतलब पैसा पैसा दे के उन लोग को एडमिशन किया जा रहा है यार। हम लोग भी ऐसे घरे घर से आए हैं, मतलब ऐसे मतलब ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई तो हम भी लगे हुए हैं, माँ बाप के लिए, अपने कौन माँ के वो लिए, है अपने बाप के लिए आए हैं यहाँ, फैमिली के लिए, फैमिली प्रेशर दे रहा है, तो हमारा इतना हाल बनता है कि उन लोग के पढ़ो एक अच्छे दिन, एक अच्छा लाइफ दे सके उन लोग को। ना ठीक है फिर पढ़े, देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे फिर से, तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक की है, जो हिंद दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो। मुझे